हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई में डी टी होता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, है ना। मीन्स रिवर्स चल रहे हैं। उसमें हम क्या कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट, ये हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर, है ना। तो इस साइड से वी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके अंदर हम क्या कर रहे थे एक्स का, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी आ रहा था, तो उससे हम क्या कर रहे थे डिफरेंशिएशन कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब की बार हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये हमारे पास क्या आया है डी एक्स आया है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये देखो वेरिएबल यहाँ पे टाइम वेरिएबल है, तो लिमिट किसकी लगाएंगे, टाइम की लिमिट लगा देंगे, टी वन से लेके टी टू तक की लिमिट लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, मींस पोजीशन एक्स वन से लेके एक्स टू तक हम इसकी लिमिट लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट है, जो भी होगा कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम उसकी फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको और ज्यादा क्लियर करके चलते हैं कि वेलोसिटी देर क्या फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। इस टाइप से हमने कोई भी फंक्शन मान लिया कि वेलोसिटी दे रखी है, तो इसमें पूछा गया है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम, किसी टाइम के ऊपर भी पूछ सकता है, एट एनी टाइम भी पूछ सकता है, और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मैं किसी भी टाइम इंस्टेंट की बात कर रहा हूं यहां पे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम। अगर पर्टिकुलर टाइम की है तो बाद में एनी टाइम की निकाल के हम उस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसा कि हम इसके अंदर करेंगे भी। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, और इनिशियली कुछ कंडीशन हो सकती है कि भाई एट टी इज इक्वल टू जीरो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी है, जीरो है। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स की वैल्यू वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्लियर बच्चे? तो अब हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हमें सीधी सी बात है, वी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी होता है, तो हमने लिख दिया डी एक्स बाई डी टी लिख दिया, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। तो अब डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, और यहां पे डी टी लिख दिया, उसका क्या करना हमने इंटीग्रेशन करना है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पूछी है किसी भी टाइम के ऊपर, तो स्टार्टिंग इनिशियल लिमिट दे रखी है इसकी, कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया जीरो लिख दिया। और कहीं भी फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के नाम का हमने एक्स लिख दिया, मीन्स हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब टाइम की लिमिट दे रखी है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी भी टाइम तक जा सकता है ये, तो जीरो से लेके हमने टाइम क्या मान लिया टी मान। क्लियर बच्चे? तो dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा x, जीरो से लेके x तक अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने लिख दी यहां पे, इज इक्वल टू टी स्क्वायर है इसका क्या आ जाएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई में थ्री, पावर इंक्रीज और उसी से डिवाइड, पावर इंक्रीज करने पे टू प्लस वन थ्री हो गया, डिवाइड बाई उसी से कर दिया, प्लस टू इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, इसको भी इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद क्या हो गया इसका टी आ जाएगा। अब हमने लिमिट लगा दी जीरो से लेके टी तक, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स ही आ गया, एक्स माइनस जीरो होगा तो एक्स बच जाएगा, इज इक्वल टू ये यहां पे टी की जगह पे टी लिख दिया, टी क्यूब बाई थ्री प्लस ये इसे कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस टी आ जाएगा, माइनस जीरो है तो टी की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। मीन्स अब ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। क्लियर बच्चे? तो अब इसने पूछा होता कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड, इस टाइप से पूछा होता इसने कि थ्री सेकेंड के ऊपर बताना है आपने, तो हम क्या करते एट टी इज इक्वल टू थ्री
हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मींस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यूब 3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3, है ना। टी की वैल्यू पुट कर दी हमने तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा इसकी वैल्यू 21। क्लियर बच्चे बात। अच्छा अब ये पूछ लेता कि एट टाइम गिवन टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू 1 है या एक्स की वैल्यू 2 है। अगर ये पूछा होता मींस अगर सेकंड पार्ट की अगर मान के चले कि एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 1 होता तो यहां पे हम 0 की बजाय क्या लगाते, 1 लगाते, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाता है ना, तो एक्स माइनस 1 बनता ये, है ना, एक्स माइनस 1 बनता और ये 1 उस साइड जाके क्या हो जाता, मींस ये भी क्या आया एक्स माइनस 1 आया, एक्स क्या आ जाता 21 प्लस 1 कितना आ जाता 22 आ जाता, है ना। तो सीधी सी बात है, जितनी अगर लिमिट दे रखी हो उसके हिसाब से हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें पुट करके जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मींस इनिशियली 1 मीटर पे था, 2 मीटर पे था, 3 मीटर पे था, टी 1 पे था तब इतना था, टी 2 पे था, तो सारी की सारी क्या बेटा इसके अंदर लिमिट्स की वैल्यू हमें रखनी होगी इसकी। क्लियर है बात। तो इस साइड से हम वेलोसिटी से भी क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर जो हमारे पास वेलोसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे हमने देखा कि फंक्शन किसका है, ये टाइम का फंक्शन था। अब ये टाइम का फंक्शन ना होके डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से कि v इज इक्वल टू 1 बाई में एक्स क्यूब एक्स 3 जो भी मानना है आपने मान सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास वेलोसिटी ये दे रखी है। क्लियर है बात। तो ये पूछ लिया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, या यही बात कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, दोनों एक ही बात है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम या फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकाली, ये हमारे पास क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। अब ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन था, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो v को हम क्या लिख देंगे, dxydt लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या लिख दिया 1 बाई एक्स क्यूब लिख दिया, है ना। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए थी, हमने कन्वर्ट कर दी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमारे पास dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब dt हो गया, जैसे हमने उसके अंदर किया था। लेकिन ये यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है, तो इस x वेरिएबल को हम कहाँ ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, है ना, इसकी पावर इंक्रीज और इसी से डिवाइड, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t। लिमिट दे रखी होती तो लिमिट लगा देते, लिमिट नहीं दे रखी तो लिमिट नहीं लगाएंगे, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4t आ जाएगा, मींस x इज इक्वल टू 4t की पावर क्या आ जाएगा 1 बाई 4, ठीक है बेटा। तो इस साइड से आप इसकी वैल्यू आप तो फाइंड आउट कर सकते हो, मींस जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर बच्चे। अच्छा अब अगर आप इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन आल्सो इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दिस, मींस जब आपने वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकाल रहे हो आप तो पोजीशन को आप डिस्प्लेसमेंट के केस में भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे कोई भी कर सकते हो उसमें, जैसे मान लिया आर इज इक्वल टू ए ए साइन ओमेगा टी I cap plus A मान लो, B मान लो, जो भी मानना आपने, A cos omega t J cap, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो R है that is function of time और वो इस हिसाब से I cap x direction के अंदर और J cap इस direction के अंदर ये vary कर रहा होता है इस way में। क्लियर बच्चे बात। तो इसे पूछ लिया गया कि find velocity एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। इस बात का मतलब क्या है कि फाइंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, फाइंड वेलोसिटी एट ए
एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपने वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, किसी भी टाइम के ऊपर, तो वो एक ही बात है। तो सीधी सी बात बेटा, हम क्या करेंगे इसके अंदर कि डी आर, आर क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डी आर डिवाइड बाई डी टी क्या आ जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी आएगी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, इसका अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जी कैप, इस साइड से आपने इसका क्या करना है, जस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब इसका अपोजिट भी हो सकता था कि अगर ये दे रखा होता वेलोसिटी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप, ये होता अगर, इसमें पूछ लिया जाता कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट है तो सीधी सी बात है हमें क्या दे रखा है, ये क्या हो जाता हमारे पास डी आर बाई डी टी हो जाता, और दैट इज इक्वल टू क्या आता हमारे पास ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे कैप, है ना, इस टाइप से। तो ये डी टी कहां चला जाता, इस साइड चला जाता। अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम क्या कर देते, इसका इंटीग्रेशन कर देते, इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आ जाता हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाता, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये पोजीशन दे रखी, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर दे रखा था, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, जस्ट आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो भी वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने हैं अगर हम, तो ए तो कॉमन है यहां भी और यहां भी, तो ये बार आ गए यहां पे ए, ठीक है। अब d by dt of sin omega t, sin omega t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sin का cos omega t i cap into omega आ जाएगा, है ना, this sin का क्या हो गया cos into d by dt of omega t, d by dt of omega t क्या आ जाएगा, omega बाहर आ जाएगा तो dt से dt, तो ये क्या बच जाएगा, omega बच जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया omega, क्लियर बच्चे बात। अब उसके बाद cos omega t है, cos ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, वही बात, ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा यहां पे, तो डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्लियर है, इंटू ये क्या है जे कैप हमारे पास। तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया हमारे पास, ए ओमेगा, ओमेगा दोनों में कॉमन ले लिया हमने, cos ओमेगा टी आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। अब अगर इसी में पूछा जाए कि फाइंड स्पीड, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, या इसका माइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, इसको अलग अलग लिख लो चाहिए, ए ओमेगा यहां भी लिख दिया और ए ओमेगा मैंने यहां भी लिख दिया, है ना, ए ओमेगा यहां भी लिख दिया और ए ओमेगा यहां भी लिख दिया। अब आपको पता है कि वेक्टर ए है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो क्या करते थे हम, इसका रिजल्टेंट अगर आपने निकालना है तो क्या करते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो सेम पैटर्न में यहां करेंगे हम, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, माइनस का है ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो अब क्या ए ओमेगा का स्क्वायर दोनों के अंदर क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ए ओमेगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो ए ओमेगा बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए ओमेगा बचेगा। यहां पे क्या बचा, cos square omega t plus क्या बचा, sin square omega t, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, sin square theta plus cos square theta 1 होता है, तो इसका magnitude कितना आ गया बेटा, a omega आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका resultant भी find out कर सकते हो। अब अगर ये पूछ लिया जाए, इसी के अंदर मैं vector को involve कर रहा हूं अब, कि find angle between, इसमें पूछ लिया गया कि find angle between डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन बना है इसके अंदर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, मान लिया ये थर्ड हो गया, फाइंड एंगल बिटवीन आर एंड वी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच आपने फाइंड आउट करना है एंगल को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है
कि सीधी सी बात है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो मीन्स हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी अगर आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो, आर डॉट वी निकाल रहे हो, आर डॉट वी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वी, है ना। तो आर की वैल्यू, आर ये है हमारे पास, वी ये है हमारे पास, है ना। तो इसको और इसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। आई डॉट आई वन होगा और जे डॉट जे वन होगा, मीन्स इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए ए स्क्वेयर, है ना, दो बार आ गया, ए स्क्वेयर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, है ना। तो मैंने लिख दिया यहां पे, यहां लिख रहा हूं मैं कि ए स्क्वेयर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा यहां पे, तो मैंने यहां पे कॉस थीटा लिख दिया, ए स्क्वेयर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, क्लियर बात। अच्छा अब इसके बाद यहां पे ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए ये यहां पे, तो क्या बचा, ए स्क्वेयर, क्योंकि माइनस का साइन है यहां पे, तो माइनस ए स्क्वेयर ओमेगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप ये चीज देख रहे होगे कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचा, जीरो बचा, है ना, जीरो बचा। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो रिजल्ट आया है दैट इज जीरो। तो इसका मतलब कॉस थीटा जीरो आ गया, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। मीन्स जो आर वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है और जो पोजिशन वैक्टर है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर बच्चे। तो थैंक यू।